प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 7 के लिए अभ्यास 6.5 लेकर आए हैं, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय के कुछ सवाल दिए हुए हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक सीढ़ी है, ये समकोण है, ये सीढ़ी है, अब क्या कह रहा है सवाल, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर, इस दीवार से सहारे यहाँ 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, सीढ़ी कौन सी होती है जो तिरछी धरी हुई है, ये 15 मीटर लंबी है, 15 मीटर लंबी सीढ़ी भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से ये भूमि है नीचे, इस भूमि से 12 मीटर ऊंचाई, ये 12 मीटर ऊंचाई, खिड़की की ऊंचाई 12 मीटर, खिड़की तक पहुंच जाती है, दीवार से, ये दीवार है, दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी, सीढ़ी के पैर की दूरी, पैर इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ कर्ण दिया हुआ है सीढ़ी की लंबाई, और 12 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है सीढ़ी, तो यहाँ से दीवार से और सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए, कितनी दूर फैली हुई है ये मान लो ए, ठीक है, ये चित्र बनता है। तो देखिए, यहाँ आप ये मानो ए नहीं, मत मानो ए बी और सी, ठीक है। तो देखिए, पाइथागोरस हल, पाइथागोरस त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी से पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो यहाँ आपके पास में कर्ण है, लंब है, आधार नहीं है, आधार क्या नहीं है, ए बी। तो देखिए, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, अर्थात आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ए बी बराबर, ए बी स्क्वायर बराबर, कर्ण कितना है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, ए सी, ए सी कितना है 15 का वर्ग, माइनस लंब, लंब बी सी 12 का वर्ग, ए बी स्क्वायर बराबर 15 गुणा 15, वर्ग का मतलब 15 को 15 से गुणा करना है, 15 15 225 माइनस 12 का वर्ग 144, ए बी स्क्वायर बराबर 125 में से 144 घटाना है, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 81 आता है। अब ए बी का वर्ग बराबर 81, और ए बी बराबर 81 का अंडर रूट, यानी 81 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, ए बी बराबर 81 का अंडर रूट होता है 9। तो ए बी की लंबाई यानी दीवार से सी डी के पैर की दूरी, दीवार से सी डी के पैर की दूरी 9 मीटर, ये आपका सवाल हो जाता है, ठीक है। यहाँ आपको आधार ज्ञात करना है,
तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का वर्ग 15 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 225 माइनस 144 बराबर 81, 81 का वर्गमूल 9 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार से आपका प्रश्न नंबर अब आता है 4। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। आपको यहाँ देखना है कि समकोण त्रिभुज कौन सा बना सकता है। तो पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी का वर्ग होता है। अर्थात देखिए, ये तीन भुजाएं दे रखी है, तो दो छोटी भुजाओं का वर्ग बराबर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आता है, तो वह समकोण त्रिभुज होगा। तो देखिए हल, ए बराबर 2.5, बी बराबर 6.5 और सी बराबर 6 सेमी। यहाँ आपको तीनों भुजाएं दी हुई है, तो हम क्या करते हैं कि तीनों भुजाओं के लिए अगर ए बी सी तीन भुजाएं हैं, तो आपको यहाँ सबसे बड़ी भुजा बाद में, छोटी भुजाओं का वर्ग। तो देखिए, छोटी भुजा कौन सी है, ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग बराबर बी का वर्ग। अगर यहाँ ये बैठता है, ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग बराबर बी का वर्ग के बराबर आता है, तो समकोण त्रिभुज हो सकता है। तो देखिए, ए का वर्ग क्या है, 2.5 का वर्ग प्लस सी का वर्ग 6 का वर्ग बराबर बी का वर्ग, बी क्या है 6.5। तो 2.5 का वर्ग 25 625, 6.25 प्लस 6 का वर्ग 36 बराबर 65 × 65 आपको करना है, 6.5 × 6.5 अर्थात 65 6.5 × 6.5। आप यहाँ इस प्रकार से करके देखोगे, गलती नहीं होनी चाहिए। 25 को 5 को अतलाए 2, 5 31 31 32, 6 35 के सुपर अतलाए 3, 36 और 3 36 3 39, 5 2, 9 3 12 को 2 को अतलाए 1, 3 और 1 4 42.25। अब आप इन दोनों को यहाँ 42.25 आया, अब इन दोनों को आपको जोड़ना है 2.5 ये 0.25 का है, लिख दिया 6 और 6 12 का 2 का अतलाई 1, 3 और 1 4 यहाँ भी कितना आ रहा है आपका 42.25 बराबर 42.25 बराबर है। अब बराबर है तो क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब समकोण त्रिभुज है कौन सा, ये आपको देखना है। अब आप कोई सा भी मान सकते हो, आपने ये समकोण बना दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब नाम यहाँ आपको दिया नहीं समकोण त्रिभुज कौन सा है, तो आपको देखिए बड़ी भुजा क्या है, 6.5 आपको बड़ी भुजा, ये 6 की मान लो आप, ये 2.5 की मान लो आप। तो यहाँ आपको ए बी सी क्या है, ए बी सी कोई सब मानोगे तो एक समकोण आएगा, ए लिखोगे, बी लिखोगे, सी लिखोगे, तो कौन सा कोण आ जाएगा, बी समकोण आ जाएगा। यानी आपको ये पूछा है कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, तो पहला समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज बना सकता है। इसी प्रकार यहाँ दूसरा है 2 सेमी 2 सेमी
और 5 सेमी, तो ए बराबर 2, बी बराबर 2 और सी बराबर 5 है। ठीक है, अब क्या है, ए बी का ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बराबर सी का वर्ग। बड़ी भुजा सी तो है यहाँ पर, इसलिए आ गया है। यहाँ आपको ए प्लस सी लिखा था, क्यों लिखा था, तो पीछे को बड़ी भुजा का वर्ग आना चाहिए। तो ए का वर्ग कितना है, ए का वर्ग 2 का वर्ग प्लस बी 2 का वर्ग बराबर सी 5 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4 बराबर 25, 2 का वर्ग 4 प्लस 4 8 बराबर नहीं है 25। तो ये भुजाओं का योग बराबर नहीं है, तो ये क्या नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं बना सकता, समकोण त्रिभुज नहीं है। क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है, समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। तो ये समकोण त्रिभुज क्या नहीं है, भुजाएं नहीं हैं। ठीक है, तो प्रश्न है, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, तो ये नहीं बना सकता। इसी प्रकार ये देखिए 1.5 का 1.5 सेमी, 2 सेमी, 2.5 सेमी, ए बराबर 1.5 सेमी, बी बराबर 2 सेमी, सी बराबर 2.5 सेमी। तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बराबर सी का वर्ग, ए का वर्ग 15, 1.5 यानी 1.5 का वर्ग प्लस बी 2 का वर्ग बराबर सी 2.5 का वर्ग, 15 15 225 2.25 प्लस 2 का वर्ग 4 बराबर 25 25 625 6.25। इनको हम जोड़ते हैं, 4 और 2 6, 6.25 बराबर 6.25, ये बराबर आ रहा है दोनों, तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज बन जाता है। ये क्वेश्चन, इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या है कि मान लीजिए ये आपका पेड़ है, ये पेड़ है, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ 5 मीटर हो जाता है, मान लो ये 5 मीटर ये बिंदु सी मान लो आप, ठीक है, ये ए है। अब ये क्या है कि यहाँ से टूट करके और इस प्रकार से गिरता है तो ये यहाँ आ जाता है, तो एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, 5 मीटर की ऊंचाई पर से टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, ये 12 मीटर है उसका सिरा, ये सिरा आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, यहाँ छूता है।
पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पेड़ की पूरी ऊंचाई का मतलब क्या है, ये 5 मीटर है, इसमें ये टूटा हुआ भाग है, इसको सीधा कर दिया जाए तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो ये देखिए ए बिंदु हो गया आपका, ये बी हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या ज्ञात करना है, पहले ए सी ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है ए सी। ये पेड़ है, इसको हम सीधा सीधा खड़ा करेंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई जाएगी ए और सी की दूरी, तो ए बी की दूरी दोनों को जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगी। ये यहाँ से टूट जाता है, गिर करें झुकेगा इस प्रकार से। तो देखिए हल समकोण त्रिभुज ए बी सी से पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ए सी बराबर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए सी यानी आपको कर्ण ज्ञात करना है, ए सी का वर्ग कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी, मैंने आपको यहाँ संख्या जमा दी है, ए बी कितना है 12 का वर्ग प्लस बी सी 5 का वर्ग, 12 144 प्लस 25 ए सी का वर्ग बराबर ए सी स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ते हैं 5 4 9 4 2 6 1 का 1 1 169 ए सी बराबर 169 का अंडर रूट, ए सी बराबर 169 का वर्गमूल 13, क्या आता है 13। पेड़ की पूरी ऊंचाई, पेड़ की पूरी ऊंचाई बी सी प्लस सी ए ए सी, तो बी सी कितना है हमारे पास में, बी सी 5 प्लस ए सी कितना आया आपके पास में 13, 13 और 5 कितना हो गया 18 मीटर। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई हो जाएगी आपकी 18 मीटर। तो देखिए आपको इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। इन प्रश्नों को पढ़ने से आपको बहुत फायदे होते हैं क्योंकि ये कम्पटीशन के सवाल होते हैं, यहाँ से आगे इस प्रकार के सवाल आपको 8वीं में भी नहीं मिलेंगे, 9th क्लास में भी नहीं है, 10th क्लास में भी नहीं है, कुछ सवाल ही यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको आप ध्यान में रखना होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय से होते हैं, इसके बाद में आता है, हाँ इसी के साथ आज का यह वीडियो संपूर्ण होता है। अगली वीडियो में हम आपके लिए इससे अगले प्रश्न लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।